हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। चालू हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन और ये लालजी प्रसाद के रूप से है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग चेंज करके लीनियर फॉर्म में लिखना है और जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन को पढ़ेंगे। और इसमें आप आराम से देखिएगा, पहला सबसे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेट पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे ले ले द डिफरेंशियल इक्वेशन, ले द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ द टाइप। यहां से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या आ जाएगा प्लस ई वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर क्या है तीन। ये निकालने में मतलब नंबर होगा, हो सकता है कि वन रहेगा तो वाई मिलेगा, हो सकता है कि टू रहेगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर मिलेगा, थ्री रहेगा तो वाई क्यू मिलेगा। इस टाइप का हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे मेन समस्या क्या है कि आर एच एस में वाई है ना, और इसके बाद होता है पी और क्यू क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है, पी और क्यू क्या है फंक्शन ऑफ एक्स। अब उतना डिटेल्स नहीं लिखेंगे, यहाँ p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x का होगा, इस वाले को डायरेक्ट हम लोग लीनियर फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आर एच एस है यहाँ से देखेंगे, आर एच एस वाले से वाई एन को हटा देना है, आर एच एस वाले में से वाई एन को हटाना है, तो आप डिवाइडिंग कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा डिवाइडिंग करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई वाई की पावर एन से, जिस इसमें डिवाइड करेंगे तो वन बटा वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं मिलेगा पी वाई की पावर एन हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, केवल क्या बचेगा क्यू मिलेगा, सब क्या है ना वाई की पावर एन बटा वाई की पावर एन, बिल्कुल क्या होगा कैंसिल आउट होगा। ये जो आपके पास मिल रहा है वाई बटा वाई वन बटा वाई एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बटा वाई एन, बात समझ में आ रहा है। चाहे तो इस वाले को हम लोग नीचे भी लिखेंगे तो इस क्या आएगा, देखिए इसकी पावर वन है तो पी बटा वाई के पावर एन माइनस वन आएगा और इक्वल टू पी। इसको कैसे लिखे ध्यान से लिखिएगा, ये इस टाइप के दिया हुआ है तो वन बटा वाई की पावर एन, ये नीचे लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और वाई करके ये पावर को ऐड किया जाता है एन माइनस वन नीचे में, समझ में आ रहा है। और यह समीकरण फिलहाल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे वन लिखेंगे। इस समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे भाई, बर्नौली का इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग पुट करेंगे, अब क्या पुट करेंगे, इस वाले जो वन बटा वाई की पावर एन माइनस वन बराबर हम इसको जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे जीरो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन होगा कैसे, इस वाले को ऊपर ले चलेंगे तो वाई के पावर एन एन देखिएगा वाई माइनस एन प्लस वन ए आ जाएगा जेड, यानी कि वाई के पावर वन माइनस में इस वाले को ऊपर ले चलेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस में है तो प्लस का होगा और जो प्लस में है वो माइनस होगा, आगे पीछे लिखेंगे। इस वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन वन माइनस ए वाई के पावर में से एक कम किया जाता है तो वन माइनस ए माइनस वन वाई के साथ डीवाई बाई डी डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा डी जेड बाई डी एक्स, ये चीजें समझ में आया। आगे समझ में, अब यहां से बात करते हैं, देखिएगा ये बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये मिलेगा वन माइनस ए वाई की पावर माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स डी जेड बाय डी एक्स है, ठीक है। इस वाले को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, इस वाले को कैसे लिखेंगे वन बटा ए नीचे आने के बाद क्या आएगा वाई ए डी वाई बाई
डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स आएगा। समझ में आ रहा है ना, लेट करके ही बनाना पड़ेगा हमेशा इसी तरह से। यदि वन बटा वाई एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस वाले को वन बटा वन माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ से जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आया, समझ लिए। फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन वन से, और वन बटा वाई के पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बटा वाई के पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्यू। चलिए यहाँ से बात करेंगे, इसका जो वैल्यू दिख रहा है वन बटा क्या है एन माइनस वन इन टू डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी रखेंगे वाई के पावर, देखिएगा वन बटा वाई के पावर एन माइनस वन, ऊपर में वन छिपा है, वाई के पावर एन माइनस वन इक्वल टू हमने क्या माना है जेड मान लिया, ये सीधी सी बात आएगा पी जेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि इसके जगह पर हमने क्या रखना पड़ेगा जेड रखेगा, तो पी जेड इक्वल टू क्या रखेंगे क्यू। इस वाला एन माइनस वन से अगर हम गुना करेंगे तो इसमें भी पकड़ेगा और इसमें भी पकड़ेगा, इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी जेड बाई दिख रहा है कि यहाँ पे डी ए प्लस एन माइनस वन पी जेड इक्वल टू एन माइनस वन पी। समझ में आया, दिस इक्वेशन इज नहीं दिखेगा हम ना यहाँ दिखेगा, इसको हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ना, यह जो समीकरण है आपका लीनियर में है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे इज लीनियर इन जेड। बाकी हम लोग क्या करेंगे लीनियर के फॉर्मेट जब पिछले क्लास में पढ़ेंगे उसी फॉर्मेट में इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे, आईएफ निकालेंगे, उसके बाद आईएफ निकालने के बाद जीएस निकाल देंगे, और जहां जेड में आएगा जेड का वैल्यू इसको रख देंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए सबसे पहला क्या है, ये जो आपका बर्नौली इक्वेशन होता है इस टाइप का होता है, इसमें हम आरएचएस में वाईएल था, वाईएल से हमने डिवाइड कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया इसको नीचे ला दिया और वन बटा इतना बराबर जे मान लिया। पहले यहाँ से समझ लेके देख लेते ना, वाई की पावर एन से आप डिवाइड कीजिएगा जो मिल गया, इस वाले के नीचे लाएंगे तो एन माइनस वन लिख देंगे, वाई की पावर एन माइनस वन लिख देंगे, इस वाले को हम लोग जेड मान लेंगे, इस वाले ऊपर ले चलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये क्या आएगा एक्स आ जाएगा, अब जो भी कट गया उसको लिखेंगे, ए नीचे आएगा तो प्लस में आएगा, और वन बटा वाई की पावर एन देखिए यहाँ पे है वन बटा वाई के पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स है, हमने क्या किया कि वन बटा वाई के पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई है आगे के इधर डिवाइड में चल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन वन को उठा लिए जैसा है वैसा उठा लिए, इसके बदले में देखिए सामने इसको वैल्यू रख देना है, बीच में प्लस है, वन बटा वाई के पावर एन माइनस वन को क्या रखेंगे जेड रखेंगे तो ये हो जाएगा पी जेड इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अब क्या करते हैं जैसे मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या है डिवाइड में, अगर इसको कॉमन करके हम लोग भेजेंगे तो सीधी सी बात है कि इसका एलसीएम लेंगे तो एन माइनस वन यहाँ चला जाएगा और यही फिर बटा में रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एन माइनस वन इनटू क्यू आ जाएगा। ये जो समीकरण बनेगा हमेशा लीनियर कंडीशन बनेगा, और आपको लीनियर कंडीशन पढ़ा रखे हैं, इस पर हम कम से कम पाँच एग्जाम्पल लेंगे, पाँच से छठा एग्जाम्पल ही बताया जाएगा, आप खुद बनाइए बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, नंबर क्या है वन एग्जाम्पल है, डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर में प्लस वन है, और e के पावर x माइनस e के पावर क्या है भाई x माइनस वाई है, e के पावर x माइनस वाई है, ठीक है, यही तो फॉर्मेट है। इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर वाई। अभी हम लोग खुद देखे हैं कि आरएचएस में मल्टीप्लाई में क्या है e के पावर माइनस वाई है, आप सामने देख लीजिएगा यहाँ भी था,
था तो डिवाइड कर दिए, अब इस वाले को हटाएंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताइए, डिवाइडिंग बाय e के पावर माइनस वाई से, e के पावर माइनस वन से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो वन बटा e के पावर माइनस वाई डिवाइड बाय dx प्लस वन बटा e के पावर माइनस वाई इक्वल टू e के पावर x आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें ना, समझ में आया ऊपर में वन नहीं है सलाम, हाँ वन है अब हो गया ना, अब देखिएगा किसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे e के पावर y dy by dx प्लस e के पावर y और e के पावर x सभी तरफ कितना आ जाएगा ये वन आएगा, क्या लिख सकते हैं यहाँ भी जो है इस वाले को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे e के पावर y बराबर क्या लिखेंगे j लिखेंगे, e के पावर y dy by dx इक्वल टू dj आएगा। चलिए समीकरण वन से, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो वन का जो समीकरण है e के पावर y dy by dx है प्लस e के पावर y e के पावर x है, समझ में आ रहा है ना इसको, अब देखिएगा इसके बदले में, इसके बदले में हमें क्या रखना पड़ेगा dj बटा dx, बीच में प्लस है, e के पावर y के वैल्यू क्या है j है इक्वल टू आ जाएगा e के पावर x, क्योंकि e के पावर x का वैल्यू दिख रहा है, ठीक है ये क्या है which is लीनियर ई जेड में, जेड में क्या है जेड लीनियर है, ठीक है जेड में क्या है आपका ये लीनियर आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा लेट या सीन देखो, इसमें डीजे बाई डी एक्स प्लस ई जेड इक्वल टू की दोनों समीकरण के आकर हम लोग तुलना करते हैं तो ये ई के जगह पर कितना दिख रहा है वन और q के जगह पर e के पावर x दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब आगे भी निकालिएगा e के पावर, ठीक है इसमें dx भी लिखेंगे, जैसे आप यहां पे y का वैल्यू रखेंगे केवल dx आ जाएगा, तो आगे फिक्स करो e के पावर क्या आ जाएगा x आएगा, e के पावर कितना आएगा x आ जाएगा, ठीक है नाउ चलिए अब ये है तो सबसे समझ सुना समस्या समझना जनरल बताइए क्या होता है आइए इनटू यहाँ पे वाई लिखेंगे, वाई के जगह पर क्या माने हैं तो जेड, ये क्या होगा आई एफ इंटू क्यू और ये क्या होगा डी एक्स, आई एफ का वैल्यू कितना आ जाए भाई ई के पावर एक्स है, जेड का वैल्यू कितना दिख रहा है तो जेड छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, अभी यहाँ पे ई के पावर एक्स क्योंकि दो बार रखेंगे, अच्छा e के पावर x इंटू e के पावर z केवल z है भाई, चलिए इसमें क्या लिखेंगे e के पावर 2x होगा कि नहीं होगा ऐड कीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए e के पावर x इंटू z बराबर e के पावर 2x बटा अब प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा, तो e के पावर x इंटू z 1 बाई 2 e के पावर 2z प्लस, बात है कि z का वैल्यू ये तो वेरिएबल x और y में है ना, आंसर क्या आ गया z में, आंसर कितना आ गया z में, तो अब बात बनता है कि z का वैल्यू क्या है, तो e के पावर x e के पावर y ओवर बाय 2 e के पावर 2x प्लस c, इस वाले को हम लोग क्या करेंगे x प्लस y 1 बाय 2 e के पावर 2x प्लस बात समझ में आया, समझ गए पहले क्या करना है बात को समझिए, यहाँ भी इसको दो भागों में हम लोग लिख सकते हैं, आर एच एस में आपको जो वाई की कंडीशन है आर एच एस में क्या है वाई के कंडीशन वाले जो है उसी से आप डिवाइड कर लीजिएगा,
इसको हम लोग ऊपर लिख नहीं पाए कि ऊपर गया तो प्लस में, ऊपर गया तो प्लस में, और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। क्या करना है, लेट मानना है, e के पावर y को z मान लिए, इसका डिफरेंशिएट करके फ्रॉम इक्वेशन वन e के पावर y टू dy by dx का वैल्यू dz रखें, e के पावर y को z रखेंगे और ये जैसे के तैसे, ये आपका लीनियर बन रहा है, किस में आ रहा है, z में आ रहा है, तो dz by dx plus py plus z equal to ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे y से पढ़ाए थे हम लोग, देखिएगा dy by dx plus py इक्वल टू क्यू के, जब y में था तो y क्या लिखे थे, x है तो x में लिखेंगे मेरे भाई, t का वैल्यू ये z z कैंसिल वन आएगा, t का वैल्यू ये, आइए फिर निकालने का फार्मूला है, और यहां पे ध्यान देंगे जब y था तो यहां पे if into y करते थे, z है तो z रखेंगे, बाकी इंटीग्रेट इधर तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट करेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग क्या करेंगे, दो से लिखते हैं, दो नंबर, ठीक है। नंबर टू है dy by dx plus y बटा x plus बराबर y square बटा x square है। बात यहाँ बनता है कि RHS में क्या है, RHS समस्या कर रहे हैं क्योंकि y square है, y square से आप क्या कर लीजिएगा, इसको डिवाइड लीजिएगा, ठीक है, आप इसको डिवाइडिंग बोथ साइड by y square, y square से आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 बटा y square dy by dx हो जाएगा, इसमें प्लस y, y स्क्वायर से डिवाइड करके x पहले से था, y स्क्वायर बटा x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, ये बिल्कुल क्या होगा, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, 1 बटा क्या मिलेगा, y स्क्वायर dy by dx हो जाएगा प्लस 1 बटा xy, है ना जी, 1 बटा xy बराबर 1 बटा x स्क्वायर, समझ में आया, ये हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फिलहाल के लिए वन मान लेते हैं, डिवाइड करने के बाद, क्योंकि आरएचएस में आपका वाई दिख नहीं रहा है, इधर दिख रहा है, काम चलेगा, लेट ध्यान रहे हमेशा यहाँ पे बात करना रहता है, किसको लेट मानेंगे, बीच वाले को ना, तो एक्स को छोड़ेंगे तो वन बटा वाई को क्या लिख सकते हैं, जेड ही तो लिख सकते हैं ना, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए माइनस वन बटा वाई स्क्वायर, वाई के साथ है तो डीवाई बाई डीएक्स होगा, और dz by कितना आएगा dx, तो dx के साथ सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्लियर है, अगर हम y / y स्क्वायर करते हैं और dy / dx करते हैं तो ये माइनस है, इसमें आकर के कर लेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, उधर जाकर के माइनस बनेगा, क्लियर है ना, डिफरेंशिएशन आप बिल्कुल याद रखें, इंटीग्रेशन याद रखें, तब जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़िए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 1 का कंडीशन क्या है, 1 बटा y स्क्वायर है, dy / dx है, प्लस है 1 बटा xy इक्वल टू 1 बटा x स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 बटा y स्क्वायर dy / dx है, 1 बटा y स्क्वायर dy / dx का जो वैल्यू आएगा, मेरे पास वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लीजिए सामने है, ये लिखेंगे हम लोग माइनस dz by dx, बीच में क्या है प्लस, 1 बटा y का वैल्यू क्या दिख रहा है, मोहन मोहन तो ये 1 बटा y, 1 बटा y को z, तो यहाँ पे 1 बटा y को z रखेंगे तो ये तो z आ जाएगा ना, 1 बटा y को z, अब बटा में कितना है x equal to 1 बटा क्या है x square, अब ये बन गया आपका linear equation, बन गया ना, अब लीनियर इक्वेशन लिखना जरूरी नहीं है, आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, इस माइनस को कॉमन करेंगे, ठीक है, क्या मिलेगा, dz by dx करेंगे, माइनस z बटा x लिखेंगे और बराबर में 1 बटा x, इस माइनस को उधर भेजते हैं तो dz बटा कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, z बटा x आएगा, माइनस 1 बाय x स्क्वायर आएगा, क्लियर है, ये लिखेंगे which is लिंगियर, ये किस में आ जा रहा है, जे आ रहा है, क्या हो रहा है, लिंगियर फॉर्म इन जे, अब आगे बढ़ जाते हैं, सो
समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसका सीन्स में लिखते हैं डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू पी बराबर कितना है, दोनों समीकरण के अगर हम तुलना करते हैं, ठीक है, तब भैया करेंगे तो ये क्या मिलेगा, पी बराबर माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा और की बराबर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम आई ए की बात करते हैं ज्यादा थोड़ा सा लाइक बढ़ा देना चलते हैं इंटीग्रेशन e के पावर लॉग x आ जाएगा। हमने कुछ बताया था पिछले क्लास में, ये माइनस है इसको प्लस करने का एक ही रूल है, 1 / x लिखिए और that is equal to 1 / x आ जाएगा। लॉग देखिएगा e के पावर लॉग m, m का वैल्यू 1 / x है। अब बात यहां बनता है नाउ बताइए जी, जब जनरल अगर हम कंडीशन निकालते हैं तो जनरल कंडीशन यही होता है कि आई ए इंटू जेड यहाँ पे आई एफ इंटू क्यू डी एक्स आएगा। आई एफ का वैल्यू 1 बटा एक्स है इंटू जेड हो जाएगा 1 बटा एक्स है इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है नतीजे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये 1 बाई एक्स जेड का वैल्यू क्या है 1 बाई, ये क्या आ जाएगा 1 बटा वाई, इसको हम माइनस बाहर निकाल के 1 बटा एक्स क्यू डी एक्स, ये 1 बटा क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा माइनस रहेगा, इसका हम लोग समाकलन करेंगे। क्या करेंगे समाकलन करेंगे, समाकलन होगा कैसे बोलिए सर, इसको आप आराम से ऊपर ले चलिए और हम लोग समाकलन कर लेते हैं, एक वाई हो जाएगा माइनस रहेगा ए माइनस थ्री प्लस वन और ये माइनस थ्री प्लस वन ए प्लस ही आ जाएगा, तो वन बटा एक्स वाई आ जाएगा, ये माइनस रहेगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस ए माइनस माइनस मिलकर के क्या करेगा प्लस होगा ना, अरे प्लस होगा और नीचे आने के बाद क्या आ जाएगा आसान है, लग रहा है आसान, पिछले क्लास आप बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, बस जैसे ही पढ़ेंगे लिनियर बनता है और पी क्यू का वैल्यू आपको पता है तो वाई के जगह पर जेड है तो आप यहाँ पे जेड करके रखिएगा और जेड का वैल्यू 1 बटा वाई वहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी इसको ऊपर ले चल के इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस माइनस प्लस 1 / 2 नीचे आएगा तो ये इसकी पावर प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, बीच वाले फॉर्मेट को समझना है कि यहाँ से लिट मानेंगे एक को छोड़ करके लिट मान लेना है, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ये फॉर्मेट देता है। तो दो एग्जांपल आपका क्लियर है, अब की बार एग्जांपल नंबर 3 चलेगा और एग्जांपल 3 को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। नंबर 3 है और नंबर 3 में देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है, डेंजरस ये है ये, लेकिन बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा, आप बनाइए एक बार ट्राई से कीजिए। RHS में Y दिखना है, RHS में क्या दिखना है Y, तो RHS में Y क्या दिख रहा है सेक Y दिख रहा है, सेक Y से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सेक Y से आप डिवाइडिंग कीजिएगा, यहाँ पे डिवाइडिंग Y क्या लिखेंगे सेक Y, ठीक है, आप इसमें सेक Y से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बटा सेक ही तो लिखिएगा ना dy by बीच में प्लस टेन वाई बटा वन प्लस एक्स और ये क्या आ जाएगा सेक वाई बराबर वन प्लस एक्स ई के पावर एक्स सेक वाई बटा सेक वाई, ये बिल्कुल कट जाएगा, समझते हैं ना, वन बाई सेक कितना बनता है जी कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स बीच में प्लस, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वन वन प्लस एक्स tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा y cos थीटा, तो cos sin y / cos y क्योंकि थीटा की जगह पर y है और 1 / c क्या बनेगा cos y 1 + x e की पावर x, बिल्कुल ये क्या होगा ये जो मिलने वाला है cos y dy / dx + 1 / 1 + x
साइन वाई बराबर 1 + x t के पावर x, समीकरण कितना आ जाएगा 1। ठीक है, लेट इसको मानना होता है, लेट यहाँ वाला से हम लोग देखते हैं, केवल y वाले को लेट मानना पड़ेगा, समझ गया ना। तो कितना लेट मानना पड़ेगा कि साइन y बराबर हम z मान लेते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos y, y का डिफरेंशिएशन y बाई x, और ये हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन किससे चलिएगा मेरे भाई, 1 से। 1 का समीकरण क्या है, एक लाइन लिखिए, क्या आ जाएगा cos y dy by dx 1/1 + x, ये मिलेगा sin y 1 + x e के पावर x। बहुत ही आसान कहता है, समझ गए। बदले में देखिएगा cos y dy by dx के बदले में क्या है, dx का है छूट रहा है भाई, dx है ना, so a dz by क्या आ जाएगा, dx बीच में क्या है प्लस 1 by 1 plus x। sin y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, 1 प्लस और e के पावर x, समस्या सॉल्व हो गया। सबकी बात को समझ गए, बिल्कुल समझ गए। एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, ये भी यहाँ पे माइनस दे रखा है, ये भी क्या है माइनस दे रखा है, आप इसको थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, क्योंकि जो माइनस में है आप माइनस में ही रखिएगा, पहले से माइनस दे रखा है, ऐसा प्लस में भी बन जाएगा। चलिए आगे हम देखिए, से पी का वैल्यू तो जेड भी छोड़ेंगे तो 1/1 + x आ जाएगा, और पी का वैल्यू 1 + x e के पावर x आ जाएगा। आईएफ निकालिए तो धड़ा करके निकालिए, पी डी एक्स आ जाएगा, यानी कि ये माइनस 1/1 + x डी एक्स होगा। इंटीग्रेशन क्या होने वाला है इसका, e के पावर माइनस लॉग 1 + x, ये माइनस को प्लस लिखना पड़ेगा, इसके नीचे क्या है 1, पलट देंगे तो 1/1 + x tan = 1/1 + x आएगा। ये फार्मूला कैसे लगता है, हमने देखो आया है कि लॉग, अगर e के पावर लॉग ये रहेगा तो सीधा क्या लिखते हैं a, और e के पावर यहाँ पे लॉग a बटा b रहेगा, इसको हम लोग प्लस लिखते हैं तो b बटा a लिखना पड़ता है। ठीक है, जीएस का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू शेप आई एफ इनटू क्यू डीएक्स, आई एफ का वैल्यू 1/1 + x, जेड का वैल्यू कितना है, यहाँ पे साइन वाई लिखेंगे, यहाँ पे आते हैं क्या लिखा जाए इसको, 1/1 + x इनटू क्यू का वैल्यू क्या है, 1 + x इनटू e पावर x dx, बिल्कुल ये कैंसिल आउट होगा, तो आप इसको क्या लिखिएगा, sin y / 1 + x = e पावर x dx, इसका एक समाकलन करेंगे तो sin y / 1 + x e पावर x + c आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, a मिलेगा sin y, और इसको क्या आएगा 1 + x e के पावर x प्लस, समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो c into 1 + x। बात समझ में आ रहा, बिल्कुल आ गया। अगर ये प्लस मेरा आता तो यहाँ पे प्लस देता, ये सीधा लॉग 1 + x आता, और 1 + x 1 + x का होल स्क्वायर बाई पार्ट्स लगा देते, बाई पार्ट्स लगा देते, बाई पार्ट्स से भी बन जाता है, एकदम आसान तरीका से बन जाता है। बात को समझ गया ना, सब तो a माइनस में था, माइनस में ही आप लिखिएगा, प्लस में कीजिएगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा आपका, यहाँ पे जो फॉर्मेट बनता
क्योंकि ये माइनस में नहीं आता, क्योंकि ये प्लस में आता, तो 1 बाई एक्स नहीं आता, 1 प्लस एक्स आता, और 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स आता, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। आप यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा देते, बिल्कुल बाई पार्ट्स ये बन जाता, ठीक है। कब? जब यहाँ पे प्लस रहेगा तब। नंबर फोर है, नंबर फोर भी बहुत अच्छा है, पहले आप इसको डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में आपको पहले सबसे लिखना है। लिखेंगे कैसे? जैसे ये देखिएगा कॉस एक्स है, डी वाई है, यहाँ से अगर बटा में आता है तो डी एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इतना निकालेंगे तो ये बटा में आएगा, और वाई से इसको हमने गुना कर दिया। समझ में आ रहा है? वाई से गुना कर दिया, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? cos x dy by dx दिए थे भाई, y के sin x लिखेंगे बराबर में minus y square। यहाँ भी समझ में आ रहा है ना? ठीक होता है यार। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर cos y से पहले देखेंगे, cos y common कर लेते हैं, सॉरी cos x है ना, तो dy by dx आ जाएगा। इसके पास नहीं है तो कहाँ पकड़ेगा? बटा में बराबर minus y। अगर हम इसको निकालते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिखिएगा तो dy by dx आ जाएगा minus y, इसको लिखेंगे tan x बराबर minus y square बटा cos x, क्योंकि ये निकालेंगे तो मल्टीप्लाई इधर जाकर के डिवाइड चला जाएगा, क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि 1 by cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, 1 by cos थीटा बराबर क्या आएगा? sec थीटा। इस वाले को हम लोग लिखेंगे dy by dx लिखेंगे, y tan x लिखेंगे, minus y square इसको हम लोग sec x लिखेंगे, क्लियर है ना? समझ में आया? अब बात बनता है कि RHS में देखेंगे, RHS में देखना है y है क्या? हाँ जी, y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यही ना करते हैं? यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे, ये मिलेगा 1 बटा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसमें माइनस tan बटा tan x बटा y बराबर में क्या आएगा? sec x, नंबर क्या आ जाएगा? 1। एक मिनट, माइनस है जो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना? तो आगे बढ़ जाए, अब हम आगे बढ़े ना, देखिए इसको हम लोग लेट कैसे चलेंगे? लेट मानते हैं, लेट कैसे माना जाता है? बीच वाला पद ध्यान दिया जाता है, माइनस है तो माइनस संकेत ही मानिए, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, प्लस है तो प्लस संकेत मानिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। एक्स वाले को छोड़ देना है, एक्स वाले को छोड़ेंगे तो 1 बटा क्या मिलेगा? y। अब इतना भी नहीं समझिएगा तो कैसे होगा? हमने बार बार बता रहा है कि tan x है, मतलब बीच वाले को पकड़ना है, एक्स वाले को छोड़ेंगे तो 1 बटा क्या आएगा? वाई। 1 बटा वाई का मतलब है जेड बनता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा वाई स्क्वायर डी वाई में क्या आएगा? डी एक्स बराबर क्या आ रहा है? डी डी। हमने 1 बटा वाई स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड बाई डी एक्स आएगा, कितना आएगा? डी एक्स आएगा, क्लियर। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण एक में क्या है? 1 बटा y स्क्वायर है, dy by dx है, माइनस यहाँ पे tan x है, बटा क्या है? y है,
माइनस क्या है sec x है। इसके बदले में आप ही बता दीजिए क्या लिखिएगा, माइनस dz by dx हो गया। tan x तो रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल आप tan x को लिखिएगा, क्लियर है ना। 1 बटा y को क्या लिखना होगा j, और माइनस कितना आ जाएगा sec x। इसमें भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, यदि माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस, इधर भी कट करके प्लस हो जाएगा, तीनों क्या आ जाएंगे प्लस। जैसे आप माइनस कॉमन किए रहे हैं तो dz by क्या आएगा dx, प्लस यहाँ पे tan x ये z आ जाएगा, बराबर में माइनस कितना आ जाएगा sec x आएगा ना। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कीजिए, dz by कितना आ जाएगा dx प्लस ये आया tan x, ये आया और बाकी ये इतना आ जाएगा sec माइनस। Which is linear form in J, T का वैल्यू कितना दिख रहा है जी बताएंगे थोड़ा सा, T का वैल्यू किसी में से बता देंगे, T का वैल्यू, T का वैल्यू और Q का वैल्यू, क्योंकि Z है तो Z को छोड़ करके बताइए ना T का वैल्यू। हाँ हाँ tan x, हाँ यहाँ पे दिखेगा P बराबर कितना आ जाएगा tan x और की बराबर कितना आ जाएगा sec x। आईएम का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना, ये कितना आ जाएगा tan x, और tan x का इंटीग्रेशन भी आपको पता होना चाहिए log sec x, that is equal to क्या लिखेंगे sec x, e के पावर log sec x है ना, e के पावर log m रहता तो ये भी लिखते sec है तो sec x। अब यहां से नाउ चलेंगे gs, gs का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y नहीं लिखेंगे किस फॉर्म में है z में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे z, बाकी इंटीग्रेशन if into q dx, if का वैल्यू कितना दिख रहा है तो sec x, और ये क्या आएगा z, sec x into z, चाहे z का भी वैल्यू रख देते हैं, z का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 बटा y, 1 बटा y, यहाँ से इंटीग्रेशन आईएफ का वैल्यू कितना है sec x, और ये भी sec x ही है जी, ये क्या मिलेगा sec x बटा y, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x मतलब क्या आता है tan x इंटीग्रेशन होता है, ये sec x मतलब y tan x plus y, चाहे इसको लिखेंगे sec x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे बाकी चीजें हम लोग वेट यहाँ से मानते हैं, एक्स वाले को छोड़ करके मान लेंगे, इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन लीनियर बनता है, पी का वैल्यू टेन एक्स, क्यू का वैल्यू हो गया आई एफ निकालिए, टेन एक्स का इंटीग्रेशन ही होता है आपका लॉग से, ई के पावर लॉग है सेक है सेक लीजिएगा, बाकी फॉर्मूला पे सेक स्क्वायर को टेन होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, नंबर 5 की, एक मिनट हाँ चलिए ठीक है। अभी थोड़ा सा फॉर्मेट देखिए इसका अलग है, बोलिए सर यहाँ देखिए जहाँ पे x है, सॉरी जहाँ पे जैसे dy by dx होता है ये, ये क्या लिखा है dz by dx, मतलब समझना है कि ये y में ही लिखा हुआ है लेकिन दिया क्या है कि z में, समझ में आ गया। अब z मानते हैं तो अलग मानेंगे, फिर भी क्या है कि y के जगह पर क्या लिखा हुआ है z, क्या दिक्कत है हमको, जेड वाले तो देख लेंगे, जेड मेरे पास यहाँ पे है, ये भी जेड में है भाई, ये भी जेड है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा उसके ध्यान से, डिवाइडिंग बाय जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर, जैसे जेड के जगह पर ही वाई है, समझ में आ रहा है ना, वाई में ना लेकर किसमें लिखा हुआ है जेड में, अगर यहाँ पे बोलिए सर y अगर आता तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो y से ना डिवाइड वाला चीज है बात,
इसमें देखिए इसको हटा देते हैं, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 बाई जेड इंटू लॉग जेड का होल स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, जेड लॉग एक्स का यहाँ पे क्या आएगा जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर ये लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स नहीं है ना लॉग जेड होता है ये भी जेड ऐसे निकाला बराबर जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पे लॉग जेड का होल स्क्वायर बटा में डिवाइड किया गया मैं जेड तो लॉग ये बिल्कुल क्या होता है कैंसिल आउट, ये भी बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ नहीं कटेगा जेड इंटू लॉग जेड का होल स्क्वायर डी जेड बटा डी एक्स आ जाएगा बीच में प्लस इसमें क्या बचेगा वन एक्स बच गया ना और यहाँ क्या है लॉग वाले को माना जाता है अभी tan x को छोड़े थे तो x वाले को छोड़ेंगे तो क्या है बताइए ना ये 1 बटा log z इक्वल टू हम u मान लेते हैं क्योंकि z में है z में ना बात कर u मान लेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बटा y का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट किए थे ये भी नहीं इसमें डिफरेंशिएशन 1 बटा y की जगह पर क्या है log z का और log z का डिफरेंशिएशन 1 / z और z का dz / dx u का डिफरेंशिएशन du / dx डिफरेंशिएशन समझ में आया या नहीं आया देखिएगा 1 / y था ना j इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 / y स्क्वायर लिखे थे कि नहीं लिखे 1 / log z है ना तो माइनस देना पड़ेगा और y के जगह पर log z है तो log z का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे करेंगे ना log x देखिएगा log x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 / x तो log z का डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा अच्छा y है तो इसमें क्या लिखते हैं dy / dx और z है तो क्या लिखेंगे और u को क्या लिखेंगे du / dx हो गया बन गया जी फ्रॉम इक्वेशन किससे चले गया हम लोग 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 का समीकरण बड़ा खतरनाक समीकरण है इसमें dz / क्या है dx है ऐसे नहीं कर रहा है 1 / x है और log z है ना बराबर क्या है 1 / x स्क्वायर चलिए इसके बदले में आप सामने देख लीजिएगा माइनस में है ना इस माइनस को किधर ले चलेंगे और ये इतना बराबर आगे लिखेंगे ये माइनस वाई इसमें जाकर के क्या करेगा तो माइनस डी बाई डी एक्स प्लस 1 / एक्स 1 / log z का वैल्यू क्या है 1 / log z का वैल्यू u तो यहां पे u हो जाएगा 1 / एक्स ऊपर माइनस कॉमन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो इसमें माइनस हो जाएगा बराबर में 1 / x इस माइनस को उधर ले चलो du / dx माइनस y / x बराबर माइनस 1 / x क्लियर है समझ में आ रहा है देखिए बी चीज बहुत सुंदर है ये वो p बराबर कितना है p बराबर कितना है बोलिए सर e को छोड़ करके लिख लीजिए और e बराबर कितना है चलिए आगे से निकाल देंगे चलिए इसकी भी एक क्या आ जाएगा 1 / x dx log में आएगा क्या ये और log को हम क्या लिखेंगे वहां पे देखिए माइनस है तो माइनस दैट इज इक्वल टू 1 / x log बताइए dx कितना आ जाएगा 1 / ये u में है ना सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे if का वैल्यू कितना है 1 / x 1 / x u का वैल्यू कितना दिख रहा है आपके पास ये आ जाएगा 1 / log z बराबर
आई एन का वैल्यू 1 बटा एक्स, क्यू का वैल्यू कितना दिख रहा है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1 बटा एक्स लॉग बराबर माइनस को बाहर निकालेंगे और एक्स के पावर 3 कर देते हैं, नहीं समझे, 3 पावर बटा में ऊपर जाएगा तो माइनस में, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3, इसको हम माइनस देखिएगा ये माइनस रहेगा और ए भी माइनस, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1 बटा 2 नीचे आएगा तो प्लस में प्लस सी, और इधर से क्या है 1 बटा 1 के लिए 5 एग्जांपल है। आप पहले सभी फॉर्मेट को समझ लीजिए, इस फॉर्मेट में हम लोग के सॉल्व करना है। अगले क्लास में हम एक और न्यू टॉपिक लेंगे, इसी का है अभी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पर डिग्री पर लैंड इंटेंसिव एडमिशन, तो अगले क्लास में हम एक न्यू टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल क्लास को देखें और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास।